जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो स्टेयरिंग लॉक है अभी कंपनी ने सेंटर में दे दिया है। बाकी पहले की अगर बुलेट की बात करें तो वो लॉक यहाँ पे नीचे आया करता था। और अगर मीटर की बात करें तो ये एक्चुअल में लुक इसका एनालॉग जो ओल्ड बुलेट क्लासिक आती थी उसके जैसा ही है, बट ये पूरा मीटर डिजिटल है देखिए, जिसके अंदर अभी कंपनी ने पेट्रोल इंडिकेटर भी दे दिया। और ये आई बटन से आप इसका जो टाइमिंग है, किलोमीटर है, सब सेट कर सकते हो। और रही बात ये जो रॉयल एनफील्ड जो ये जो लोगो है, यहाँ पे आपने देखा होगा जो मेट्योर में गूगल नेविगेशन आता है आप वो भी यहाँ पे डलवा सकते हो। वो तकरीबन कंपनी की तरफ से रहता है, कुछ 5000 उसका प्राइस रहता है, वो आप अलग से इसमें डलवा सकते हो। सेकेंड थिंग, एक रॉयल एनफील्ड ने फर्स्ट टाइम, वैसे तो मेट्योर में ये सब चीज़ें है बट अभी क्लासिक में भी कंपनी ने देना चालू कर दिया है ये मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। और ये जो छोटे छोटे चेंजेस है कंपनी ने किया है, जो क्लच का सेटिंग है वो आप यहाँ से मैन्युअली खुद भी कर सकते हो छोटा मोटा। और आगे की जो डिस्क ब्रेक की अगर बात करें तो पुरानी क्लासिक में 270 mm आता था, बट अभी कंपनी ने इसमें 300 mm देना चालू कर दिया है। और जो अपनी ब्रेक है वो फाइबर की ही है, अभी भी यूज़ हो रही है इसके अंदर। अगर लुक की बात करें आगे से तो काफ़ी बल्की लुक दिया है कंपनी ने। और अगर टैंक की बात करें तो कंपनी ने टैंक एज इट इज 13 लीटर कैपेसिटी के साथ रखा हुआ है। और जो उसके स्टिकर्स है और जो थाई पैड है, थाई पैड में जो ओल्ड क्लासिक में आता था एज इट इज़ वही है, और स्टिकर्स में कंपनी ने काफ़ी यानी चेंजेस किया हुआ है इसका। और जो आप ये सीट देख सकते हो, जैसे कि ओल्ड क्लासिक में जो सीट आया करती थी वो स्प्रिंग के साथ थी, बट अब भी आप ये देख सकते हो ये जो क्लैंप है, ये क्लैंप पे कंपनी ने सीट अभी रखी हुई है पूरी आगे की। अभी आप इसके अंदर आप अलग से स्प्रिंग डलवा सकते हो बट वो वर्किंग नहीं रहेगी, सिर्फ लुक के लिए रहेगी। और अगर पीछे की सीट की कंपेरिजन करें ओल्ड क्लासिक के साथ तो काफ़ी अच्छा यानी कम्फर्टेबल है पुरानी क्लासिक के कंपेरिजन में। जैसे कि ओल्ड में स्प्रिंग आया करती थी और पुरानी सीट ऐसी पतली पतली थी। और ये जो बैक रेस्ट है काफ़ी कंपनी ने हैवी अच्छा सा प्रीमियम दिया हुआ है। और पीछे का ये जो मडगार्ड है, ये जो फेंडर, वो भी काफ़ी हैवी बल्की लुक दिया हुआ है। और जो टेल लाइट की अगर बात करें तो ओल्ड क्लासिक के जो टेल लाइट थी उसकी जगह ये काफ़ी हैवी दी है कंपनी ने। और रिम साइज़ की बात करें तो कंपनी ने ओल्ड में 110 नंबर आया करता था टायर में, अभी आप ये देख सकते हो 120 आ रहा है टायर नंबर। और रिम साइज 18 इंच की ही रहेगी। अगर आगे की रिम साइज़ की बात करें तो ओल्ड क्लासिक में 90 नंबर आया करता था, आगे की रिम पूरी जो साइज है 19 इंच की तो रहती थी बट उसमें ये जो नंबर है वो 90 नंबर आता था, 90 90 19। बट अभी कंपनी इसमें थोड़ा बल्कि लुक देने के लिए 100 नंबर का साइज दे रही है टायर में। और जो एग्जॉस्ट की बात करें तो ओल्ड क्लासिक जो BS6 वेरिएंट था उसके अंदर जो कैटलिटिक कन्वर्टर था यहाँ पे कंपनी ने हैवी दे दिया था, जो कि पूरी तरह से लुक उसका यानी इतना अच्छा नहीं आ रहा था, बट अभी कंपनी ने ये जो न्यू क्लासिक है उसका जो कन्वर्टर है वो नीचे की साइड दे दिया, ये जो ऊपर की ये जो हीट शील्ड है उसके नीचे की साइड। टोटल कंपनी ने दो कन्वर्टर लगाए, एक ये रहा और एक ये साइड है, जिससे कि जो नॉर्म्स के हिसाब से जो नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने दो लगाए हुए हैं। अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो ओल्ड क्लासिक के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा बहुत सिमिलर है, ओल्ड के कंपैरिजन में जो BS6 था उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। सेकेंड थिंग के ये जो न्यू क्लासिक में एक ये पॉइंट कवर करना रह गया था, ये जो आप स्विच देख सकते हो, इस ये पार्किंग लाइट का स्विच दिया हुआ है कंपनी ने,
जिससे कि जो चारों चार इंडिकेटर हैं वो चालू रहते हैं। और ये आप देख सकते हो जो इसका एयर फिल्टर बॉक्स है पूरी तरह से पैक है ओल्ड क्लासिक के कंपैरिजन में। और आप ये देख सकते हो कंपनी की ये टूल किट और बैटरी बॉक्स पूरी तरह से अभी चेंज कर दिया कंपनी ने। और अगर रियर डिस्क ब्रेक की बात करें तो पुरानी में 240 mm आया करती थी, बट कंपनी अभी इसके अंदर 270 mm की डिस्क दे रही है, जिससे कि जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी बेटर रहती है। और अगर गियर की बात करो तो गियर पैटर्न अभी भी वही है एज इट इज़, फर्स्ट डाउन एंड फोर अप।